सो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहां पर आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में। यहां पर Realme 9 स्मार्टफोन के 5G वर्जन को लेकर के काफी कुछ जो डिटेल है वो फिर से यहां पर निकल करके आ चुके हैं। कुछ जो चीजें हैं वो यहां पर ऑफिशियल निकल करके आई है, जो कि आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करूं आपसे यहां पर Realme 9 स्मार्टफोन के बारे में, तो यहां पर कुछ दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया ही था कि Realme 9 सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो काफी सारे सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गए हैं और यहां पर ये जो स्मार्टफोन जल्दी यहां पर लॉन्च होने वाला है। अब यहां पर आप लोगों में से काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि Realme 9 जो है वो पहले इंडिया में आएगा या फिर किसी और कंट्री में आएगा। तो यहां पर दोस्तों, मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि Realme का एक नया स्मार्टफोन इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो चुका है, जो कि कहा जा रहा है कि यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो Realme 9 है। आप देख भी सकते होंगे यहां पर इस स्मार्टफोन का जो मॉडल नंबर है वो है RMX 3430, और यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो मे बी Realme 9 हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटीज है। और यहां पर गुड न्यूज ये है कि ये स्मार्टफोन इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हुआ है, जिससे इसका जो इंडिया लॉन्च है वो 100% कंफर्म हो जाता है। दोस्तों, दूसरी गुड न्यूज ये है कि यहां पर कुछ दिन पहले मैंने आपको ये भी इन्फॉर्म किया था अपनी टेक न्यूज में कि यहां पर जो Realme 9 स्मार्टफोन है उसमें आपको Qualcomm Snapdragon 778 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। ये जो चीज है वो यहां पर लीक होकर के आई थी। अब दोस्तों, यहां पर ऑफिशियली ये चीज 100% कंफर्म कर दी गई है Realme की तरफ से कि Qualcomm Snapdragon 888, Qualcomm Snapdragon 778 5G और यहां पर Qualcomm Snapdragon 870, ये जो तीनों प्रोसेसर हैं वो इंडिया में जल्दी आने वाले हैं। दरअसल यहां पर किसी ने पूछा था कि आप Realme GT स्मार्टफोन को Qualcomm Snapdragon 888 के साथ इंडिया में क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं। तो यहां पर फ्रांसिस वोंग की तरफ से ये चीज यहां पर रिप्लाई की गई कि Qualcomm Snapdragon 888 और यहां पर Qualcomm Snapdragon 778 5G प्रोसेसर और यहां पर Qualcomm Snapdragon 870, ये जो प्रोसेसर है वो सभी इंडिया में आने वाले हैं, ये चीज कंफर्म है और जल्दी आने वाले हैं। तो मे बी यहां पर बाकी जो प्रोसेसर है वो आपको Realme GT सीरीज के अंदर देखने के लिए मिल जाए और जो Qualcomm Snapdragon 778 का प्रोसेसर है वो आपको Realme 9 सीरीज में देखने के लिए मिल जाए, जो कि फिलहाल अभी तक यहां पर ली होकर के आया है। तो ये प्रोसेसर यहां पर इसका जो इंडिया लॉन्च है वो 100% कंफर्म कर दिया कि Qualcomm Snapdragon 778 प्रोसेसर के साथ में जल्दी एक जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडिया में लॉन्च होने वाला है। उसके साथ दोस्तों, काफी लोगों का ये क्वेश्चन आता था कि यार फीचर्स क्या होने वाले अगर Qualcomm Snapdragon 778 आएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाए जिससे ज्यादातर जो लोग हैं वो यहां पर इस स्मार्टफोन को अफोर्ड ही नहीं कर पाए। तो यहां पर दोस्तों, जैसा कि मुझे लगता है कि Realme जो है वो काफी तगड़े प्रोसेसर को यहां पर काफी सस्ते में लेकर के आने वाली है, और प्रोसेसर अगर तगड़ा है तो और भी जो स्मार्टफोन के फीचर्स होंगे उनमें आपको डाउनग्रेड देखने के लिए मिलेगा इस स्मार्टफोन की प्राइस को काफी सही रखने के लिए। अब उसके अकॉर्डिंग जहां तक मुझे लगता है कि अगर Qualcomm Snapdragon 778 का प्रोसेसर आता है Realme 9 5G स्मार्टफोन में, तो यहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, उसके साथ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में मे बी आपको यहां पर एक IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको 30 वाट का चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा या फिर 18 वाट का भी चार्जर देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ यहां पर आपको 5000mAh की बैटरी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह देखने के लिए मिल सकता है इस स्मार्टफोन को 15,000 से 16,000 रुपए की प्राइस में इंडिया में लॉन्च कराने के लिए। और इन सभी चीजों के साथ में ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में 15,000 से 16,000 रुपए की प्राइस पे आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो स्मार्टफोन होगा वो Qualcomm Snapdragon 778 प्रोसेसर पे सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा जो कि इंडिया में अवेलेबल होगा। तो मुझे लग रहा है कि पूरी प्लानिंग Realme की यही होने वाली है। अब यहां पर मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट जो है वो लीक होकर के आई थी, एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट आई थी 31 अगस्त, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया था। तो 31 अगस्त के आसपास में भी ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में आपको देखने के लिए मिल जाए। 31 अगस्त को नहीं आता है तो सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक वगैरह में पूरा चांस है कि Realme 9 सीरीज के जो स्मार्टफोन होंगे वो यहां पर इंडिया में लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली ये है कुछ आई हुई अपडेट बेसिकली Realme 9 स्मार्टफोन को लेकर के, जो कि मैंने सोचा जरूर से आपके साथ में शेयर करना चाहिए। अब आपका क्या कहना है इस स्मार्टफोन के बारे में, आप इस स्मार्टफोन को किस प्राइस पॉइंट पर एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।